इसराइल की ओर से जो बमबारी है वो भी यहाँ लगातार की जा रही है। लेबनान और सीरिया के तमाम ऐसे इलाके हैं जहाँ पे IDF की ओर से ग्राउंड ऑपरेशन भी यहाँ पर तेज कर दिया गया है। इसराइल की ओर से भारी बमबारी की गई है। पश्चिम सीरिया में भी बमबारी किया जा रहा है इसराइल की ओर से। इसके अलावा दक्षिणी लेबनान में आमने सामने की यहाँ पर जो जंग है उसकी भी तस्वीर निकल के सामने आई है। यानी कि इसराइल की ओर से अगर बात करें हम तो यहाँ पर लेबनान हो चाहे बेरूत हो यहाँ पे लगातार बमबारी की जा रही है और जंग आर पार है। हालांकि आगे वर्ल्ड वॉर है या नहीं ये सवाल बना हुआ, लेकिन तस्वीर दिखा रहे हैं आपको लेबनान पर एयर स्ट्राइक करने की और एयर स्ट्राइक के बाद किस तरीके से आसमान में काले धुएं का गुब्बार दिखाई दिया, तबाही का मंजर दिखाई दिया। वो दिखा रहे हो किस तरीके से इसराइल ने अब ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर यहाँ पर पहले से ही यहाँ पे एंट्री ले ली थी और बेरूत में पहले बमबारी की गई और बेरूत में बमबारी करने के साथ जो ग्राउंड ऑपरेशन है वो भी यहाँ पे पैरेलल चल रहा है इसराइल की ओर से। तो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम लेबनान बेरूत की जहाँ पर इसराइल ने बमबारी की है और बमबारी के बाद जो तबाही का मंजर है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसराइल की ओर से दावा भी ये किया गया है कि जो बमबारी की जा रही है वहाँ पर टारगेट सेट करके की जा रही है। तो IDF की ओर से कई इमारतों पर यहाँ पर बम बरसाए गए हैं और बम बरसाने के बाद की जो तस्वीर है वो आपको दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिरकार किस तरीके से इसराइल जो है सर ये बेरूत में घुस चुका है और पहले भी हमने देखा था क्योंकि उन्होंने तो सीमाएं छोड़ी नहीं थी। अब कहा ये जा रहा है कि लेबनान में 2 किलोमीटर अंदर तक घुस गए हैं इजरायली सैनिक। क्या समझा जाए कि अभी आगे जो वक्त आने वाला है ये बहुत भीषण और मुश्किल होने वाला है World War III के हिसाब से? देखिए जब आप बात करते हैं कि लेबनान के अंदर कोई आ जाए, ये जो आप एरिया पूरा दिखा रहे हैं ना ये लेबनान का इंटरनल एरिया है। इस समय जो मेन ऑपरेशन इसराइल कर रहा है वो इसके साउथ वाली साइड में सबर्ब एरिया में कर रहा है, साथ ही साथ वो छोटी छोटी रेड्स करता है। ये जो आप इतना धुआं देख रहे हैं ना ये बिल्कुल स्पेसिफिक डायरेक्टेड अटैक है। ना इधर की बिल्डिंग टूट रही है ना इधर की बिल्डिंग टूट रही है, स्पेसिफाइड बीच की जहाँ पर उनकी रेडिंग पार्टीज़ हैं, जहाँ इन्फिल्ट्रेटिंग पार्टीज़ हैं, ये उनका काम है। ये जो इतना डैमेज आप देख रहे हैं ये सेलेक्टिवली जहाँ जहाँ उन्हें मालूम है हिजबुल्ला के सेंटर हैं, एमुनेशन डंप है, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, कुछ भी है। ये देखिए अब ये जो ये सबर्ब एरिया है, ये सबर्ब एरिया ये बिल्कुल इंटरनल एरिया नहीं है। आप देख के क्लैरिटी से देख सकते हैं क्योंकि उसमें और इस फोटोग्राफ में कितना फ़र्क है। और यहाँ से इन्होंने शुरुआत करी है और अब ये आप देखेंगे कि ले जाएंगे लितानी नदी तक। लितानी नदी इनका इस समय एम होगा कि ये जो 30 किलोमीटर का बफर जोन है ये काबू में ले लें, यहाँ पर अपने लोगों को बिठा पाए। ये इंटरनल तस्वीरें कुछ उस तरीके से याद नहीं आती है आप जब गाजा में घुस गए थे इजरायली सैनिक। एब्सोल्युटली गाजा, और इसमें सिर्फ फर्क ये है कि इस बार इन्होंने गाजा में थोड़े देर से घुसे थे, इस बार इन्होंने ये काम पहले कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसराइल के पास इंटेलिजेंस ज़्यादा अच्छी अवेलेबल थी, इस वजह से आप देख रहे हैं कि साइमल्टेनियस सबर्ब एरिया में साइड, बिकॉज सबर्ब एरिया में क्या है, सबर्ब एरिया में मैकेनाइज्ड कॉलम चल रहे हैं, टैंक्स चल रहे हैं, बख्तरबंद गाड़ियां चल रही हैं, जबकि इंटरनल एरिया क्योंकि आपने देखा फोटो में कितना कंजेस्टेड है तो वहां पर उनकी रेडिंग पार्टीज जो है वो इन्फिल्ट्रेट कर रही हैं। और ये थोड़ा हम तस्वीरें भी बता देते हैं कि जंग में मारे गए हैं इजरायली सैनिक। सर थोड़ा सा आप अंदर आ जाइए, इसमें किसके किसके नाम है वो मैं बता देती हूँ। इडो ब्रायर, अलमेकिन टैरिफ, मंतजूर, इल्तजाक ओस्टर और इसी के साथ नजर इटकिन और हेरल एल्टिगर, नोम बर्जले और एरियल ग्यार, ये वो लोग हैं इजरायली सैनिक हैं जो इस जंग में मारे गए हैं। अभी इसराइल को भी तो और नुकसान होगा इसी के साथ साथ। नहीं देखिए ये कहना आप गलत हो जाएगा या सोचना कि एक अटैकिंग फोर्स अंदर जाए और उसकी कोई कैजुअल्टी ना हो, कैजुअल्टी होगी लेकिन कितनी कम कर पाते हैं वो कैजुअल्टी, ये एक बहुत बड़ी बात है। मेरे हिसाब से कम आप इस पूरे एरिया को अगर आप जो फोटो में आप दिखा रहे थे और रिकॉर्डिंग में, कम से कम वो 50 से 60 किलोमीटर एरिया चौड़ा है। अगर 60 किलोमीटर के चौड़ाई में एक डिवीजन 98 डिवीजन अगर उनकी जाती है और अगर आप दिखाते हैं कि 6 या 8 लोगों की मौत हो गई, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये एज अ मिलिट्री कमांडर आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अगर आप अंदर गए हैं, आपने अटैक किया है तो आपके ऊपर भी कैजुअल्टी जरूर आएंगी। तो ये बिल्कुल आप बड़ी बात कह रहे हैं कि अगर आप अंदर गए हैं तो कैजुअल्टी जरूर होगी। 8 कैजुअल्टी हुई है, हालांकि ऑपरेशन बहुत बड़ा है और ऐसे में और कैजुअल्टी हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं इजराइल जिस तरीके से इस पूरे मोर्चे पर उतरा हुआ है वो इस बात का खास ख्याल रख रहा है कि उसके सैनिकों को ज्यादा से ज्यादा नुकसान ना हो। अब ये कुछ तस्वीरें भी देख लीजिए कि बेरूत पर जो बमबारी की गई है उसके बाद वहां पर किस तरीके से जो धुआं है, जो आग है वो देखिए नजर आ रही है। ग्राउंड ऑपरेशन यहाँ पर लगातार चल रहा है, तो ये जो तैयारियां है वो इनसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिरकार इजराइल
की जो सेना है वो दक्षिणी लेबनान में पूरी तरीके से प्रवेश कर चुकी है, हर तरीके से घेर लिया है, क्योंकि एक तरफ लेबनान से लेकर के हमास तक से निपटने की तो जंग थी ही, उसी के साथ अब ईरान भी जिस तरीके से मैदान में कूदा है, यानी हर मोर्चे पर जो इसराइल है वो कहीं ना कहीं मजबूत नजर आ रहा है। 2 किलोमीटर तक लेबनान में जो इसराइली सैनिक है वो घुस चुके हैं और अभी ये सीमा और बढ़ने वाली है। अभी जो घुसपैठ है वो माफ करिएगा, जो घुसने का जो सिलसिला है वो कहीं ना कहीं इसराइल के सैनिकों के द्वारा और बढ़ेगा। हिजबुल्ला और इसी के साथ जंग में इसराइल के जो 8 सैनिकों की मौत हुई है उसे भी बदला लेने की तैयारी चीन के द्वारा पूरी की जा रही है, क्योंकि ये देखा गया था पहले भी कि जिस तरीके से गाजा में ये पूरी लड़ाई हो रही थी, पूरी तैयारी चल रही थी, सैनिकों का चुन चुन करके बदला इसराइल के द्वारा लिया गया था। अब हिजबुल्ला के हमले में IDF के 3 टैंक भी तबाह हो गए हैं, ये भी जानकारी मिल रही है। हिजबुल्ला का IDF को नुकसान पहुंचाने का दावा है, ये दावा जरूर हिजबुल्ला की तरफ से किया जा रहा है। तो नेतन्याहू ने भी शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है, लेकिन ये ऑपरेशन रुकने वाला नहीं है, थमने वाला नहीं है। इसराइल के ऊपर सर संजय सोएसर जो इसराइल के ऊपर अटैक हो रहा है उसे लेकर के कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बड़ी तैयारी की गई थी इसराइल के द्वारा कि हम अपनी तरफ से बंकर बना लेते हैं, अपने लोगों को वहां पे जाने देंगे, वरना हमारे ऊपर अगर अटैक होता है तो हमारे ज्यादा से ज्यादा लोग मारे भी जा सकते हैं इसमें। नहीं बिल्कुल, ये 2-3 बातें यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा। सबसे पहले तो जो अभी हमले चल रहे हैं इसराइल के द्वारा और जो गाजा में हमले हुए थे, दोनों में बड़ा फर्क है। गाजा में एक रिएक्टिव था, 7 अक्टूबर को हमला हुआ, उन्होंने तुरंत ही कुछ ना कुछ करना था, तो वहाँ पे कितना प्लानिंग शायद ना हो पाया होगा। यहाँ पे बिल्कुल प्लान तरीके से गए, इनके लीडर्स को मारा, पेजर अटैक किए, चुन चुन के जगह सिलेक्टेड, जैसे कल शैलेंद्र बता रहे थे, पिन पॉइंट अटैक करके उनको बर्बाद कर रहे हैं और साथ ही साथ फिर घुसपैठ करके रेड करके, वो भी पिन पॉइंट जहाँ से उनको खतरा लगता है कि यहाँ से बम आ सकते हैं, यहाँ से फायरिंग आ सकती है, उस जगह को बर्बाद करके फिर वो प्लान तरीके से आगे बढ़ रहे हैं ताकि रास्ता साफ हो, फिर इनके टैंक आए। साथ साथ इन्होंने अपने शेल्टर्स बनाए हुए हैं, बंकर बनाए हुए हैं, ताकि आज देखिए इसराइल में हर घर में बंकर है, हर घर में शेल्टर है, चाहे वो मिज़ाइल अटैक हो, रॉकेट अटैक हो, उससे सैनिक और आम आदमी का बचाव किया जा सके। तो इस जो बचाव किया जा सके, ज्यादा नुकसान ना हो, इस बात का खास ख्याल रखा जा रहा है। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी, मैं आपसे एक बात समझना चाहूंगी कि अभी तो एक तरफ हमने देखा हमास से लेकर के लेबनान तक, अब क्या हम यमन के बारे में भी देखेंगे आने वाले वक्त में, क्योंकि वहां से भी अटैक हुए और बराबर जवाब यहाँ इसराइल की तरफ से भी दिए गए हैं। जी हाँ, इसराइल से यमन की दूरी 1,800 किलोमीटर है और इसराइल के ऊपर यमन से हुती विद्रोहियों ने बार बार ड्रोन अटैक किए हैं, UAV और क्रूज मिसाइल से अटैक किए हैं। जब हुती विद्रोही अपना क्रूज मिसाइल या अपना बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करते हैं तो वो लाल सागर के ऊपर से उड़ते हुए, गल्फ ऑफ अकाबा से उड़ते हुए आके दक्षिण इसराइल में उनका एक पोर्ट है गल्फ ऑफ अकाबा पे इलियट, उसके ऊपर गिर रहे हैं। तो इसराइल की IDF अब पूरी तरह से तैयार है, ज़रूरत पड़ने पर वो अपनी छोटी सी नेवी है गल्फ ऑफ अकाबा में इलियट में इस्तेमाल होंगे। एक बड़ी जंग जो कि कई सालों से शतकों से चल रही थी वो अभी भी थपते हुए नजर नहीं आ रही है। शैलेंद्र सर, एक बात और कि क्या आने वाले वक्त में सीधा अटैक करने से इसराइल बचेगा ईरान पर, या सीधा अटैक कर देगा जैसी उसकी तैयारी है? देखिए, एज फार एज इसराइल इज कंसर्न्ड, वो वेट कर रहा है कि किसी तरह एक ओपिनियन वर्ल्ड का बने कि यस, उसने ईरान के ऊपर अगर डायरेक्ट अटैक किया है तो क्यों किया है। क्योंकि जब तक आप ये जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे तब तक आप देखेंगे कि US भी आपको रोकने की कोशिश करेगा कि दायरा बढ़े ना, मिडल ईस्ट में अपने आप दायरा बढ़े ना, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, उसे ये भी पता है कि ईरान अपने आप में समझदार है कि वो डायरेक्ट अटैक इस तरह का इनडायरेक्ट बाय एयर बाय मिसाइल ये जरूर करेगा, लेकिन एक जिसको बोलते हैं ना वॉर अटैक, वो अपने आप में ना तो उसमें सीधा बचना होगा कि ये सब कुछ फैल जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा और बहुत कंट्री तक चला जाएगा। सर आपके पास लौटूंगी, लेकिन कुछ तस्वीरें आ रही है वो दिखा देती हूँ, जहाँ इसराइल लेबनान के साथ साथ सीरिया पर भी ताबड़तोड़ हमला कर रहा है। जावले में इजरायली सेना ने हथियार डिपो पर हमला किया है, जिसकी ये तस्वीरें सामने आ गई है। सीरिया में इसराइल की तरफ से ये हमला किया गया है और हर एक तस्वीर उसकी सामने आ गई है, किस तरीके से वहां धुएं का गुबार फैला हुआ है, वो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि आखिरकार जो तबाही शुरू हुई थी गाजा से अब वो सीरिया तक जा पहुंची है, क्योंकि हर तरीके से ये कहीं ना कहीं खड़े हुए नजर आ रहे थे कि हम हमास के साथ हैं और अब सब तबाही।
लापरवाही की ओर है। वही इसराइल के तेल अभी पर ड्रोन अटैक हुआ है, ईरान ने कामिकेज ड्रोन से हमला किया है, ड्रोन हमले से कई गाड़ियों में आग लग गई है। तो अब कहीं ना कहीं झुलस तो इसराइल भी रहा है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आ गई है, जो उस पर अटैक हुआ है उसकी तस्वीरें किस तरीके से सामने आ रही है वो आप देख सकते हैं। गाड़ियों को यहाँ पर नुकसान पहुंचा है, तेल अवीव जो कि इसराइल की राजधानी है उस पर यह ड्रोन अटैक किया गया है और ईरान ने कामिकेज ड्रोन का इस्तेमाल किया है। पहले भी जो ड्रोन थे कामिकेज इसका इस्तेमाल किया जा रहा था हमास की तरफ से और अब यहाँ ईरान ने भी इसी का इस्तेमाल किया है। ड्रोन हमले से कई गाड़ियां जो है वो क्षतिग्रस्त हो गई है, पूरी तरीके से आग लग गई है उनमें, ये ब्लास्ट हुआ है, ये तस्वीरें